नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं अधिकार एक्सप्रेस। सन 2020 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का सपना देखा था, जिसका मुख्य उद्देश्य 500 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों को सीधा शहरी क्षेत्रों से जोड़ना था, जिससे गांव के किसान सड़कों के सहयोग से शहरों से जुड़ सकें और अपनी फसलों को आसानी से बेच सकें तथा गांव-गांव में एम्बुलेंस और अन्य चिकित्सीय सुविधाएं पहुंच सकें। हालांकि इस योजना के माध्यम से देश के हर छोटे गांव को शहरों से जोड़ने के लिए सड़कें तो बना दी गईं, लेकिन भ्रष्टाचार के दीमक ने अटल बिहारी वाजपेयी के सपने को चकनाचूर कर दिया। लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई सड़कें एक वर्ष में ही उखड़ने लगी। लोगों का सड़क पर चलना दूभर हो गया, जबकि इस सड़क की 5 वर्ष की गारंटी दी गई है। अब इस परिस्थिति में गांव के लोगों की दुनिया शहरों से जुड़ने की बजाय एक बार फिर गांव तक ही सिमट कर रह गई है। चलिए अब हम आपको प्रयागराज जनपद के सिंगवेरपुर विकास खंड के अंतर्गत आने वाले एक ऐसे ही मंसूराबाद कोरारी सड़क मार्ग की दशा दिखाते हैं। आज हमें प्रयागराज जिले के नवाबगंज क्षेत्र के अंतर्गत मंसूराबाद में आज हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से सड़क में के निर्माण में घोटाला हो रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं, ये जो सड़क है, जो आप सड़क देख रहे हैं, इस सड़क का निर्माण 3 वर्ष पहले किया गया था और इसका जो इसके ठेकेदार थे उन्होंने दावा किया था कि 5 साल तक इस सड़क में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि इस सड़क की 5 साल की गारंटी है। सरकार को इन्होंने 5 वर्ष की गारंटी दी है। आइए आपको दिखाते हैं, बोर्ड में पूरा विवरण है कि इस सड़क को किस तरीके से बनाया और किसने बनाया है। यह है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इसको बनाया गया है और इस मार्ग का नाम है मंसूराबाद से कोरारी वाया आनापुर। ये डामरीकृत मतलब डामर के द्वारा 5.5 किलोमीटर बनाया गया इसको, और उसके अलावा जो है जो ये सड़क बनी है वो कंक्रीट से बनी है, वो 2.5 किलोमीटर है। इस पूरी सड़क में 8 पुलिया बनाने की बात कही गई है, इसमें 8 पुलिया बनाई गई है और 5 गुल पुलिया बनाई गई। इसके अलावा आप नीचे देखेंगे तो पूरा विवरण दिया गया है कि इस सड़क की मोटाई कितनी है, गिट्टी कितनी डाली गई है, डामर कितना डाला गया है और उसकी टोटल मोटाई कितनी है। उसके नीचे आप देखेंगे तो पूरा विवरण है कि इसमें क्या क्या डाला गया है, बंधान का मिट्टी कार्य बताया गया है, दानेदार उपाधार है इसका, मिट्टी की परत है, पत्थर की गिट्टी डाली गई है इसमें। इसके अलावा इन्होंने बताया है नीचे ये गिट्टी का कार्य हुआ है, और इधर आप देखेंगे तो ये बोर्ड में साफ साफ लिखा हुआ है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उसके नीचे पैकेज संख्या लिखी हुई है 03141, और पूरा वही वही जो बात वहाँ लिखी गई है कि ये सड़क का नाम है मंसूराबाद से कोरारी वाया आनापुर। इसकी लंबाई है 8 किलोमीटर और इसकी जो लागत इन्होंने लिखी है वो उतनी स्पष्ट नहीं है, हम आगे आपको बताएंगे। कार्य जो शुरू हुआ था वो 25/9/2017 को शुरू हुआ था और ये खत्म हुआ था 24/9/2018 को, और इन्होंने अपने बारे में लिखा है जो ठेकेदार का नाम और पता है, ये है शक्ति इंटरप्राइजेस शक्ति नगर प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ की ये कंपनी है थी और ठेकेदार द्वारा मार्ग रख रखाव अवधि की बात की है वो 5 वर्ष है। उसके अलावा इन्होंने कार्यदायी संस्था का नाम लिखा है अधिशासी अभियंता खंड 2 लोक निर्माण विभाग इलाहाबाद, हालांकि अब इसका प्रयागराज जिला हो गया है। ग्राम विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ये पैसा जो है वो ग्राम विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया गया था। इस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इस सड़क का निर्माण हुआ है। आइए हम आपको ये तीसरा बोर्ड दिखाते हैं, इसमें भी वही बात लिखी हुई है कि किस योजना के तहत, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ये रास्ता बना है, 5 वर्षीय गारंटी अवधि में इसकी है, ठीक है। इसके अलावा इसकी प्रारंभ होने की तिथि लिखी हुई है 31/5/2018। इसके अलावा पूर्णता की तिथि लिखी हुई है 30/4/2023, मतलब इसकी जो अंतिम तिथि है, जो गारंटी की अंतिम तिथि है वो 2023 है, ठीक है।
ठेकेदार वही जो आपने अभी देखा था, ये है शक्ति इंटरप्राइजेस शक्ति नगर पूरे ईश्वरनाथ प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। उसके अलावा नीचे लिखा हुआ है मार्ग के विषय में, मंसूराबाद से कोरारी वाया आनापुर ये रास्ता जाता है, और उसके नीचे जो है वो पूरा डिटेल है कि इनको रख रखाव क्या करना है, किन किन बातों का इस 5 वर्ष में इनका ध्यान रखना है। वो है कि जो अगर सड़क के नीचे बगल में घास या झाड़ियाँ उगती हैं तो उसको इनको काटना होगा। इसके अलावा जो रेन कट्स जो सड़क के किनारे जो कट लग जाते हैं वो अगर हो जाता है तो उसको रिपेयर करना होगा। शोल्डर की बात की है इन्होंने, इसके अलावा अगर कहीं पे गड्ढा हो जाता है तो उसको भरना होगा, 5 वर्ष तक इसको रिपेयर करना होगा। इसके अलावा सड़क के किनारे जो नालियां हैं उनका भी रख रखाव करना होगा, अगर उसमें कोई दिक्कत आ जाती है, उसमें पानी नहीं निकल पाता है या कोई समस्या होती है। उसके अलावा पुल पुलिया जो जो इन्होंने पुलिया बनाई है या गुल पुलिया बनाई है, अगर उसमें कोई समस्या आती है तो उसको ये उसका रख रखाव करेंगे, उसकी मरम्मत करेंगे। इस तरीके से अगर कोई रेलिंग है इस सड़क पे तो उसकी पुताई करेंगे, और पुल जो पुल पुलिया जितनी है अगर उसका पेंट निकल जाता है तो उसकी पुताई करेंगे। उसके अलावा वर्षवार इन्होंने कई खंडों में इस सड़क को बनाया है, तो वर्षवार उन्होंने उसका विवरण दिया है कि किन किन खंड में क्या क्या कितना पैसा खर्च हुआ है। आप देखेंगे 4,36,052 रुपया इन्होंने पहले चरण में खर्च किया है, दूसरे चरण में 6,84,869 रुपया खर्च किया है, जबकि तीसरे चरण में 9,33,967 रुपये खर्च हुए हैं, चौथे चरण में 11,83,498 रुपये खर्च हुए हैं, और पांचवें चरण में 14,32,169 रुपये खर्च हुए हैं। इसकी जो टोटल लागत आई है उसको इन्होंने लिखा है 46,70,557 रुपये। अब आप सोच सकते हैं इतना भारी भरकम खर्च हुआ है इस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत, लेकिन इस सड़क की हालत क्या है आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे, किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है। ये मार्ग जहाँ यहाँ से शुरू होता है, ये बाईपास है मंसूराबाद का, यहाँ से शुरू होता है, ये कुराली तक रास्ता जाता है आनापुर होते हुए, लेकिन आप पूरे रास्ते कहीं भी देखेंगे तो यहाँ पर सड़कें उखड़ गई हैं, मतलब डामर के नाम पर काम चलाऊ डामर का इस्तेमाल हुआ है, पता नहीं नीचे कितनी गिट्टी है। आइए हम आपको दिखाते हैं, ये बाईपास है, ये हाईवे जा रहा है, यहाँ से इस रोड को कनेक्ट किया गया है, ये आप देखेंगे अभी से इसमें गड्ढा हो गया है, 3 वर्ष हुए हैं इस रास्ते को बने हुए, अब आप देखिए इसमें गिट्टी है कहीं डामर का पता नहीं है, तार इधर आ जा रहा है, तारकोल का कहीं पता नहीं है, ये पूरा रास्ता खराब है। आइए हम आपको मिलवाते हैं यहाँ जो मजदूर हैं जो काम कर रहे हैं इस सड़क की रिपेयरिंग कर रहे हैं। हालांकि लोगों का आरोप है कि यहाँ जो रिपेयरिंग हो रही है वो बढ़िया नहीं हो रही है, वहाँ पर्याप्त गिट्टी नहीं डाली जा रही है। इसके अलावा जो तारकोल है या जिसे डामर कहते हैं वो भी पर्याप्त मात्रा में नहीं डाला जा रहा है। लोगों का आरोप है कि ये मोबिल डालकर इसको बना रहे हैं, इस वजह से उखड़ जा रहा है बार बार। अच्छा ये बताइए आपका शुभ नाम क्या है? अशोक कुमार। अशोक कुमार जी, जी। ये बताइए कि कब से काम चल रहा है? ये काम आज 8-9 दिन से चल रहा है जी, लगातार 8-9 दिन से। कहाँ से शुरू किया था आपने? यही चालू किया जब ऐसे जा रहे हैं करते हुए। तो ये तो रास्ता मंसूराबाद के बाईपास से शुरू होता है? जी 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 जी। तो उधर हो गया है, थोड़ा बहुत हुआ है, बीच बीच में छोड़ा गया है। अच्छा, अभी मशीन गड़बड़ है, चल रहा है आपके सामने गर्म है, मशीन बंद है। अब जब ये मशीन चालू हो जाएगी उसके बाद फिर हो जाएगा। नहीं, जैसे कि गरियाओं के सामने जो आप लोगों ने रिपेयरिंग की वो तो सारा उखड़ गया? नहीं, सब नहीं उखड़ा जी, कहीं कहीं ठंडी की वजह से हल्का फुल्का उचर रहा है, और जिसको तेल बोल रहे हैं इसको हम लोग का इमल्शन है। अच्छा ये बताइए कहीं आपके सामने गर्म है, कहीं कहीं पे अगर सड़क उखड़ गई तो उसकी जो आप अलग से डालते हो कितना मोटा होता है उसकी लेयर? उसको रोड से ऊपर रहेगा, रोड पे बरोबर, मतलब रोड पे थोड़ा बहुत।
कितनी मोटाई रहेगी? अब वो जितना मांगेगा जी, वहाँ गड्ढा होगा, जितनी रोड के बरोबर मांगेगा उतना। यहाँ पे अगर मान लीजिए ये रास्ता खराब हो गया है तो आप इसे कैसे रिपेयर, मरम्मत इसकी कैसे करेंगे आप? ये रास्ता बहुत समय से खराब है, लोग बताते हैं। ये रोड है ना, हाँ, इसकी लेवल लिया जाएगा, इससे ज्यादा रहेगा कम नहीं होगा, क्योंकि इसको झाड़ू मारा जाएगा, इसके मार के मेल्सन मार के फिर से पीसी की जाएगी। मतलब ये है कि आप इसी के ऊपर डामर लगा देंगे? नहीं नहीं, ये जो उचरे हैं ना जी, इनकी सफाई होगी पहले पूरा। अच्छा, इसकी सफाई होगी, उसके बाद इसमें मेल्सन मारा जाएगा, टाइकोटो डामल है, उसके बाद डामल वाली गिट्टी इसमें बिछा के तब किया जाएगा, इसके तो लेवल पे आएगा। तो अब इसमें कितनी गिट्टी लग पाएगी इसमें? ये तो बहुत पतली लेयर है। अरे जी, इसके नहीं, इसका लेयर ही पतला है ना जी, पीएम जेएसवाई के लेयर ही है। आप जितना लेयर है इसका पड़ा हुआ है उतना ही लेयर होगा। गरियावा की तरह पहले बात सुनिए, ठंडी का है टेम्परेचर, कहीं कहीं जैसे माल हल्का ठंडा हो गया, कुछ हो गया तो हल्का फुल्का कहीं छोड़ा होगा, बाकी और जहाँ किया जाए। अब आगे देख लीजिए, वो आ रहे हैं सब लोग, टेम्परेचर बनाया गया, नहीं उचर रहा, रिपेयरिंग चल रही तुरंत। ये बताइए कि आपकी कंपनी ने इसे बनाया है, क्या इतनी जल्दी इस रास्ते को खराब होना? नहीं, खराब नहीं होना चाहिए जी, 4 साल इस पे ओवरलोडिंग भी है, मेरे पास मोबाइल है, हम फोटो दिखा रहे हैं। कितना टाइम हुआ इस रास्ते को? कल भी हाँ, चार साल से हो गए, 4 साल। आपको ये भी जानकारी नहीं कितना समय? हाँ जी, आपको तो ये भी नहीं पता कि इस सड़क को बने कितना समय? 4 साल से ऊपर हो रहा है जी। 3 वर्ष हुए हैं इसको बने हुए? 3 साल, हाँ, लमसम 3-4 साल जी हो गए। नहीं जी, हम उस टाइम नहीं थे, लेकिन फिलहाल 4-3 साल हो गए। बोलना नहीं चाहिए ना आपको जी, मतलब 3 वर्ष में पूरा रास्ता खराब हो गया जी, पूरा कहीं नहीं खत्म है, इतनी दूर ज्यादा, यही मंसूराबाद से, ये 20 से और यहाँ तक, बाकी कहीं भी आगे देखें, आनापुर के पास देखें, कहाँ पर आगे फटकी के आगे देखते हैं, आनापुर के पास। हाँ हाँ जी, गए हैं अभी हम, कैसा है रास्ता? वो बता तो रहे हैं, यहाँ से आनापुर तक कहीं कहीं है मिस्टेक, वो बन रहा है जी, रिपेयरिंग हो रही है। अच्छा, ये यहाँ जो काम करने वाले हैं लोग, उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से मरम्मत का कार्य हो रहा है, ये बताइए कि आप लोग कब से काम कर रहे हैं? सर जी, हम तो 8-9 दिन हुआ काम करते करते। अच्छा, हाँ, अभी इसमें झाड़ू लगती है, पूरा गिट्टी साफ करके सब काम होता है। अच्छा, और डामर लगता है, इसके पहले पूरी सफाई हो जाती है झाड़ू लगा के। अच्छा अच्छा, लोग कह रहे हैं कि आप लोग ठीक से गिट्टी वगैरह नहीं डाल रहे जी, ये तो हवा बताते हैं आने जाने वाले, तो हम लोग को कहते हैं ठीक नहीं काम करते हैं, ठीक नहीं करते हैं, बहुत दुकान वाले जो यहाँ मटेरियल डामल उमल देख रहे हैं, बगल में जाके उनसे आप पूछिए, उन लोग से पूछ लीजिए जो यहाँ आते हैं देखने के लिए कि किस तरह का माल जा रहा है। और अभी इसमें माल फंसा है मशीन में, निकला नहीं है, अगर अभी चालू करते हैं तो आप गर्म होगा तो आप देखिए कैसे निकल रहा है। अच्छा, अब 2 मिनट में, अब वो मोबाइल उसको बोल रहे हैं इमेल्सन, आप देख लीजिए ड्रम मिल भरा हुआ है, उसी तरह लिखा हुआ है। आइए दिखाइए क्या है वो इमेल्सन, क्योंकि उसको लेकर लोग काफी बातें कर रहे हैं, गांव वालों को मालूम नहीं है, वो तेल ही उसको बोलेंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं कि इमेल्सन का इस्तेमाल किया जा रहा है इस रास्ते को बनाने में, क्योंकि इनका दावा है कि उसको डालने से गिट्टी को पकड़ लेता है, जिससे कि गिट्टी उखड़े ना। ये आपको दिखाते हैं इधर से कि इमेल्सन क्या चीज होती है। ये अच्छा, इधर है, इधर है, नहीं नहीं ठीक है ठीक है सर, एक मिनट ऊपर से देखो, इस पे आइए, नहीं गिर जाएंगे आप। ये है जो लोगों का कहना है कि ये कोई तेल डाल के कर रहे हैं, तो इनका दावा है कि ये इमल्सन हम डाल रहे हैं, जो इसका काम जो है कि ये गिट्टी को पकड़ता है। इसमें लिखा हुआ है प्रीमियम क्वालिटी बिटुमेन इमल्सन, ये एक तत्व है जिसके जरिए जो है गिट्टी को चिपकाने का काम किया जाता है। लेकिन हैरानी की बात ये है कि अगर ये इतना कारगर है तो फिर ये सड़कें उखड़ क्यों जा रही? आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं।
हाँ, आप लोग बताइए कि आप ये जो रास्ता है इसको बनाने में क्या क्या परेशानी आ रही? परेशानी कोई का रही क्या? जैसे कि लोग शिकायत कर रहे हैं कि ये सड़क ठीक से नहीं बन रही, तो क्या उनकी बात सही है, आपको सही लगता है? देख लीजिए साहब, हम लोग खुद बना रहे हैं, अब उनके निगाह तो सही नहीं है, हमें निगाह तो सही है। अच्छा, आपको लगता है कि सही रास्ता? सही रास्ते पर कर रहे हैं। अच्छा, ये आपने मंसूराबाद से आनापुर तक रास्ता देखा है कैसा, किस तरीके से खराब? हम देखे थे, जहाँ जहाँ खड़ी है वहाँ वहाँ बन रहा है। अच्छा, जहाँ रास्ता उखड़ जा रहा है आपको क्या लग रहा है, क्यों उखड़ जा रहा है? वो सही सही चक्कू था से उखड़ जा रहा है, तुरंत कागज चलाती है और बैठाई गिट्टी, तुरंत गाड़ी आ जाती है तो कुछ गिट्टी इधर उधर हो ही जाता, उसका कितना हम लोग कागज कबाड़ डाल के ही खाती कबाड़ डाल रहे कि ये ऊपर से कागज भागे ना गिट्टी। तो आप लोग मान लीजिए कहीं रास्ता खराब हो जाता है तो उसको उखाड़ के दोबारा नहीं ठीक करते, बस उसके ऊपर आपने साफ किया और मटेरियल डाल दिया? वो उचार के काम होगा, अब जैसे पूरा नहीं उचरेगा, बाकी जैसे बीच बीच में पैचिंग हुआ है। अभी आपने वो रिकॉर्ड में है, आपने बोला कि इसको हम साफ करते हैं जी, जी, और इसके ऊपर डाल देते हैं जी, जी, तो जी, वो तो फुल प्रूफ काम नहीं हुआ ना, वो तो टेम्परेरी काम हो गया। टेम्परेरी पहले आप टेम्परेरी नहीं हुआ जी, जैसे भी टूटा हुआ है, कहीं कहीं बीच में टूटे हैं, अब उनको बनाया जाएगा, अब पूरी रोड जो सही है उसको नहीं तोड़ा जाएगा नहीं, ना जी? जितना उखड़ा है वो तो आप खोद के हटाएंगे ना जी, जी, और फिर उसे सही तरीके से बनाएंगे तभी तो टिकेगा। हाँ, तो तब उसी तरह तो बनेगा ना जी। कहाँ किया है आपने इस तरीके से, आप दिखाई, क्योंकि अभी आपने वो बात कही थी तो मेरे बात मैंने ये कहा कि जैसे टूटे हुए हैं जी रोड, अब जो टूट अब मान के चलिए आप बीच में टूटा, ये पकड़ इसका करेगा जी। अब यहाँ यहाँ छोड़िए आप, ये जो आपने बनाया है ना, ये जो आपने रिपेयर किया है ना, ये नहीं नहीं रिपेयर नहीं है, ये अभी कुछ नहीं, इसको करना है। ये अभी आपने किया है ना? नहीं जी, ये नहीं किया गया है, ये पहले का है, ये अभी ये सब हटा करके फिर से पूरा किया जाएगा। ये इधर तो किया है आपने, ये तो है, ये आपने नहीं किया है? नहीं, हाँ अभी ये हुआ, ये हुआ तब करना या छोड़े। ये तो अभी ताजा लग रहा है, ये आपने करवाया है इसको? कब का बना हुआ है ये सब हटा करके? ये तो लग रहा है कि नहीं, ये सब हटा के भी ये रिपेयरिंग होना है जी सब। आप आगे चलिए, आगे देख लीजिए, जहाँ बनाए हैं वहाँ नहीं छोड़ा, वो ट्रैक्टर जा रहे हैं। आइए आप, रिपेयरिंग में बता रहा हूँ आपसे जी, करना है ये अभी आप दोबारा करेंगे? हाँ, इनको सब दोबारा करेंगे, आप आइएगा देखिएगा, हम लोग दोबारा करते हैं इनको, जो रिपेयरिंग है टूटेंगे इनको तोड़ के साफ करके फिर किया जाएगा जी। मतलब ये पहले से हुआ है? हाँ हाँ जी जी, इनको नहीं किया गया है अभी, मतलब जहाँ टूटा हुआ जी, है जी, जी, जी। निकाल के जी जी फिर से करेंगे हम, फिर से करेंगे जी जी। अब जैसे वो देखिए, ये साइड में हुआ है जी, नहीं टूटे, किया गया है। अच्छा, ये जो किनारे किनारे जी जी, किनारा जो टूटे हैं, जरा किनारा भी टूटे हैं उनको भी सही कर रहे हैं हम, अब ये चल रहे हैं जी, नहीं टूटे हैं। नहीं तो जैसे ये है जी, जैसे ये आप राजेश इधर आ जाओ जी, जी, जैसे ये आपने बनाया है जी, जी, तो इसकी मोटाई पहले इतनी थी, अब आपने यहाँ पे अलग से गिट्टी तो नहीं डाला है जी, ये तो गड्ढा लग रहा है। ठंडी में गड्ढा नहीं, एक मिनट पहले बताइए, जो दिख रहा है उसको स्वीकार करो, ये इसकी मोटाई देख लो, ये सही है सड़क है ना, अब ये उखड़ गई थी, इसको आपने रिपेयर किया है ना, रिपेयर किया, लेकिन ये तो नीचे है, इसका मतलब यहाँ आपने गिट्टी नहीं डाली, यहाँ आपने थोड़ा सा कंक्रीट डाल के टेम्परेरी बनाया है। अच्छा, आप देख के भी झूठ बोल रहे हो, उसमें अंतर है कि नहीं? एजिंग है ना हमारी, अंतर है कि नहीं उसकी ऊंचाई में? अब इसमें देखिए, नहीं देखिए, आप देखिए, आप जो कर रहे हैं वही बोलिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत बोले, लेकिन आप झूठ मत बोलिए। पहले झूठ नहीं बोल रहे, देखिए अब आगे वो देखिए बना हुआ, आइए दिखाइए उसको कैसे बराबर है। यही शिकायत है लोगों की, ये फिर उखड़ जाएगा और आप फिर 6 महीने बाद, क्योंकि ये आपकी गलती नहीं, आपके ठेकेदार की गलती है कि 6 महीने फिर सब गायब हो जाएंगे, फिर रास्ते का वही हाल होगा है ना। अब जैसे ये आपने बनाया, अब ये रास्ता आपने बनाया, अच्छा ये बताइए,
यहाँ गिट्टी डाला हुआ है, ये संभव है कि यहाँ आपने नई गिट्टी डाली होगी? उसकी ऊंचाई देखिए, उसका लेवल देखिए, इसका लेवल देखिए। ये जो इसका आप लेवल देख रहे हैं सर, इनका लेवल नहीं रहेगा, एक कैम्बर होता है बीच का। ये देखिए, पहले इधर आइए, देखिए झूठ मत बोलिए, इधर आइए आप, इधर आइए। इसकी ऊंचाई क्या है और लेवल पे देखिए वहां तक, इसमें अंतर है कि नहीं बताइए, ऊंचाई में अंतर है इसमें कि नहीं? इसमें तो जी हमको बहुत नहीं समझ में आ रहा है। फिर इसमें अंतर है कि नहीं ये बताइए, इसमें ये जो इसका लेवल है किनारे का, इसमें अंतर है कि नहीं जो उखड़ा हो? देखिए कम से कम जो दिख रहा है वो तो बोलो, जो दिखाई दे रहा है वो तो बोलो कि गलत है ये, है ना? कम से कम इसे देखिए, आप एक बात ध्यान रखिए कि इसकी 5 साल की सड़क की गारंटी है और आपके ठेकेदार की जिम्मेदारी है कि लगातार इसे देखे और कहीं गड़बड़ी से हो तो इसे ठीक करे, है ना? लेकिन आप लोग लग नहीं रहा है कि उस तरीके से काम कर रहे हैं। अब बताइए, पूरी 3 साल में सड़क ऐसे उखड़ जानी चाहिए? 3 साल में उखड़ जानी चाहिए? आप बताइए, जिस तरीके से रास्ता खराब हुआ है, 6 महीने से किसी का पता नहीं है जो हाल है इस रास्ते का। अब हम आपको दिखाते हैं कि ये गड्ढे आप देख रहे हैं, लोगों का कहना है कि 6 महीने से बहुत बुरा हाल है, यहाँ लोगों का चलना मुश्किल है। ये आप देखेंगे पूरा रास्ता ही खराब हो गया है, 6 महीने से लोगों का चलना दूभर हो गया है, और ये कुल 3 साल हुए हैं इस रास्ते को बने हुए और किसी का कोई पता नहीं था। अभी रिपेयरिंग शुरू हुई है लेकिन लोगों को बहुत सारी शिकायतें हैं, लोगों का कहना है कि इसमें ठीक से जो सामग्री है वो नहीं डाली जा रही है। हालांकि इनका दावा है कि ये बहुत अच्छे तरीके से रास्ते को बना रहे हैं, लेकिन हमने भी देखा कि जहां से रास्ता शुरू होता है उसके बाद बीच में बहुत सारी जगह इन्होंने रिपेयरिंग की है, लेकिन उसका बुरा हाल है। वहां पे अभी से तुरंत 4-5 दिन पहले उसकी रिपेयरिंग की, अभी से पूरा उखड़ गया है, ये आप देख रहे हैं, ये इन्होंने रिपेयर किया हुआ है, अभी से उखड़ना शुरू हो गया है। इस तरीके से आप देखेंगे दूर दूर तक, आपको दिखाई दे रहे होगा दूर दूर तक पूरा रास्ता उखड़ा हुआ है, लोगों का चलना मुश्किल है। अब यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न या सुझाव हो तो आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आज बस इतना ही, धन्यवाद। अधिकार एक्सप्रेस के अगले वीडियो को देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही सूचना प्राप्त करने के लिए घंटी को अवश्य दबाएं। अपने अधिकारों की स्वतंत्र पत्रकारिता को बचाए रखने के लिए अधिकारexpress.com के होम पेज पर जाएं और हमें हर माह 10 रुपये का सहयोग करें।